Friends, this is Rucha. Welcome back to our very own channel. I hope you all are doing good and पढ़ाई पे डटे हुए हो, बहुत जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हो. Okay, काफी बच्चों के मुझे मैसेज आए, मैम पहला पेपर अच्छा नहीं गया, मैम दूसरा पेपर अच्छा नहीं गया, फोकस नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, स्क्रूड इट अप, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आई एम हियर विद द ओनली मंत्र, जो अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, विद द ओनली मंत्र, वन पेपर एट अ टाइम. रिपीट आफ्टर मी, वन पेपर एट अ टाइम, वन पेपर एट अ टाइम. ओके, सपोज आई अग्री, आपका पहला पेपर अच्छा नहीं गया, आपका दूसरा पेपर अच्छा नहीं गया, यू स्क्रूड इट अप, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. ओके, नहीं मिलेंगे ना. ओके, वो तो चले गए पेपर्स, दोज आर गॉन, पेपर्स गॉन. Now you have with you is few papers residing ahead for you, and they might have many good things in store for you. If you for once trust your journey, if you for once trust the efforts you have put in, so don't let this go. Don't let the pressure of previous attempts, previous papers hamper your mindset. See, I have got examples of people who have not completed their first paper fluently, and they weren't able to complete it as they planned, but at the end of the day they got 40 marks in that particular paper, and they screwed the rest of the papers thinking that they won't even get 40 in that particular paper. So don't create your own conspiracy theories that you won't get even 40, you won't even able to score minimum marks. You never know what has in store for you. You never know with which mindset the examiner checks your paper. So leave it on them. If you get good marks, that's okay. If you don't, then too it's okay, because we are going to move ahead with the only fundamental principle, with the only mantra, that one paper at a time. And you might end up scoring exemption in these papers, and at least aapko next attempts ke time इन फ्यू सब्जेक्ट्स का तो प्रेशर नहीं रहेगा. अब वो सोचो, एटलीस्ट मूव अहेड विद दिस माइंडसेट. ओके, अभी बचे हैं कुछ थियरी पेपर्स, फ्यू टिप्स, फ्यू क्विकी टिप्स. पहली बात तो ये रहेगी कि पेपर अच्छे से पढ़ो. काफी बार थियरी पेपर्स में जंबल कर जाते हैं, क्वेश्चन कुछ और, आंसर कुछ और बाद में आपको लगता है कि ये सिली मिस्टेक थी. तो बेटर बी सेफ देन सॉरी. अब पेपर अच्छे से पढ़ो एंड ऑटोमेटिकली यू माइट अर्न सम एक्स्ट्रा पॉइंट, सम एक्स्ट्रा मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. द सेकेंड पॉइंट इज, इट्स ओके इफ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग. इवन आई एम द पर्सन हु डजंट हैव गुड हैंड राइटिंग, बट वॉट आई फोकस्ड ऑन वॉज टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, टू हाईलाइट, टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. एंड आई मेड श्योर कि आई हैव 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ द पेपर, 10 मिनट लास्ट में, कि जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ऑफ द आंसर, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एज इट इज कोट किया है, या फिर आई नो कि दिस पार्ट विल कन्वे द आंसर टू द एग्जामिनर इन ब्रीफ, सो वो मैं अंडरलाइन किया एंड आई हैव स्कोर्ड एग्जेम्पशन इन फ्यू थियोरी पेपर्स. सो दिस इज द टूल. ऑल्सो इफ यू हैव गॉन थ्रू द इंस्टीट्यूट मटेरियल्स एंड इफ यू नो दैट कि इस आंसर के लिए ये चार्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है, या ये पाई चार्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये कुछ टेबल इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो प्लीज ड्रॉ दैट. इट इम्प्लीकेट्स, इट कम्प्लीटली डिजाइन्स फॉर द फैक्ट कि आपने इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ाई की है, एंड एग्जामिनर इज एंटाइटल्ड टू, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट सम ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम द एग्जामिनर एंड. इट्स ओके इफ यू डोंट कोट द सेक्शन नंबर्स, इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज ठीक है अगर आता है तो डेफिनेटली लिखो, पर नहीं आता है तो डोंट फेक इट. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वॉज पेपर अच्छे से पढ़ो, एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज इट्स ओके इफ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग बट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन. एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज, इफ अटेम्प्ट हाउ मच यू कैन अटेम्प्ट, इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व, इफ यू डोंट नो 100 marks पेपर, बट इफ यू नो द 90 marks पेपर, अटेम्प्ट दैट मच. इफ यू नो 100 marks पेपर, अटेम्प्ट दैट मच. पर जितना आता है उतना अच्छे से लिखो, उतना कम्प्लीटली एंड टू एंड अच्छे से लिखो, एंड यू नेवर नो, यू माइट एंड अप स्कोरिंग वेल. सो जितना आ रहा है अच्छे से लिखो एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट. ओके, आई होप मैंने कुछ चीजें एड्रेस की होगी, और इन चीजों को लाइटली मत लेना. यू माइट एंड अप स्कोरिंग वेल एंड यू माइट गेट एग्जेम्पशन ऑल्सो. ऑडिट, लॉ, इसका बहुत सारे पेपर्स आ रहे हैं, इनमें ये ट्रिक्स अप्लाई करके देखो. आई एम श्योर कुछ मार्क्स तो आपके बढ़ जाएंगे. ओके, I'm sending you some good positive energy from my side, and remember the mantra, one paper at a time.
Okay, I won't take much of your time. Tata, bye bye. If you have any doubts, message me on my Instagram account. I am there to solve your queries. Okay, tata, bye bye. All the best.